तो गाइस स्वागत आप सभी का एक और डुओ गेम प्ले वीडियो। इस वीडियो में आप बात करने वाला है कि कैसे आप लोग रैंक पुश कर सकते हो, एज डोमिनेटर टू कौन कर रहा है, कैसे आप लोग जा सकते हो। तो भाई बहुत सारे लोगों का मुझे अभी भी कमेंट आ रहा है कि भाई मैं अभी एज डोमिनेटर पर पहुँच चुका हूँ या फिर मेरा अभी 5500 पॉइंट हो चुका है, तो अभी मैं बाकी का जितना भी पॉइंट बचा हुआ है वो मैं कितना कैसे कैसे प्लस कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपना, तो भाई मैं खुद एज डोमिनेटर पे हूँ, कम से कम एज डोमिनेटर और 10 पॉइंट के आसपास हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मुझे और भी अभी कम से कम नहीं तो 600 से 650 पॉइंट मुझे और प्लस करना है, तब जाके मेरा कॉन्करर हो पाएगा। क्योंकि आज के दिन ना आपको 5800 पॉइंट पे कॉन्करर मिल रहा है, तो इसका मतलब कि मुझे और भी ज़्यादा कम से कम 650 के आसपास मुझे पॉइंट प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉन्करर हो पाएगा। यहाँ पे तो हम लोग बहुत देर से होल्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी बंदा मुझे दिख नहीं रहा था। पर यहाँ पर भाई होल्ड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट जोन है ना वो अभी कहाँ पर बनेगा वो चीज़ पर डिपेंड करती है कि कहाँ पर हम लोग को जाना है। भाई यहाँ पर एक मैकलर नहीं आता है, जो कि भाई इसका दूसरा ये बंदा यहाँ पर वॉल के पीछे छुपा हुआ है। इसके ऊपर मैं नेट करने की कोशिश करते हैं, पर मेरा टीममेट उसको आराम से मार देता है। तो भाई यहाँ पर तो हो चुका ऑल डेड। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बंदे का जो ना थोड़ा बहुत डैमेज किया था, बट उस बंदे को भी मेरा टीममेट ही गिराता है। तो यहाँ पर मुझे एक भी किल नहीं मिलता, अभी तक मेरा सिर्फ और सिर्फ 0 किल था, क्योंकि हम लोग अभी लास्ट में ही किल करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग टाइम पर फाइट बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि भाई हम लोग को बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए माइनस का, क्योंकि माइनस अगर एक भी लग गया ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतना ज़्यादा खेल लिया उसके बाद फिर माइनस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत सेफ जब हो जाता है ना, जब हमको लगता है कि भाई अब तो माइनस नहीं लगना वाला, तब जाके हम लोग बिल्कुल फाइट करके खेलते हैं और तब जाके भाई किल उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस गेम में भी करने वाला हूँ। तो अभी तक तो मेरा 0 किल था, बट आपको दिखाऊंगा भाई कैसे कैसे मैंने किल निकाला था। आप भाई यहाँ पर नीचे से जोन कट चुका था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं, क्योंकि हम लोग को ब्रिज कैम्प करना था, क्योंकि किल निकालना है। अब किल निकालने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब लास्ट जोन में अगर आप लोग किल नहीं निकालते तो भाई किस जोन में किल निकालोगे। इस वजह से आप लोग लास्ट जोन में तो कम से कम कोशिश करो कि भाई आपको किल मिल ही जाए, कम से कम अगर आप लोग 4 से 5 भी किल कर लेते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्लस मिलेगा। तो जैसे देख सकते यहाँ पर सबसे तो मैं अपना बग्घी को छुपा दिया ताकि उसको बंदे को ना दिखे। अब यहाँ पर अच्छे तरह से बग्घी को छुपा दिया। आप डासी को भी थोड़ा बहुत अच्छी बात दे, क्योंकि दूर से दिख जाएगा वरना। तो भाई यहाँ पर दोनों गाड़ी को तो छुपा दे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता भाई एक बंदा, और जो बंदा भाई बग्घी लेके भाई कहीं पे जा रहा था, लेकिन इस बंदे को पता चल गया थोड़ा बहुत यहाँ पर, उसको थोड़ा सा दिख गया था शायद जो गाड़ी, और इसी वजह से ये बंदा यहाँ पर जाकर रुक जाता है। अब भाई यहाँ पर मैं बहुत ही गलत तरीके से स्प्रे ले रहा था, मतलब कि स्प्रे उतना अच्छे तरीके से नहीं किया, पर मैंने इस बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज किया था कि ये बंदा मरने वाला था, लेकिन ये बंदा भाई बच जाता है इसका किस्मत की वजह से। अब यहाँ से हम लोग निकलने की सोच रहे थे कि यहाँ पर निकलते, क्योंकि ये बंदे को पता चल गया कि भाई ब्रिज कैम हो रहा है, तो ये बंदा तो कतई यहाँ से नहीं आने वाला है। पर ऐसा नहीं था, एक और दो जो बंदा था ना वो बंदे यहाँ से आने की कोशिश कर रहा था, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत रुके थे कि उस बंदे को मार के ही जाएंगे। हाँ भाई ये बंदा थोड़ा सा मतलब इसका किस्मत अच्छा था कि ये बंदा बच जाता है, पर मेरा किस्मत भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस बंदे ने मेरे पे स्नाइपर का शॉट लिया, फिर भी भाई मैं बच चुका हूँ। और इसको अभी तो भाई गाड़ी से गिराएंगे गिराएंगे कैसे देखो। तो भाई यहाँ से हो जाता मेरा एक किल का शुरुआत। अगर मैं लेट के स्प्रे ले रहा था तो मुझे शायद से 2 किल मिल जाता, बट कोई ना गाइस एक किल ही सही, लेकिन किल तो मिला, कम से कम मेरा खाता तो खुला। यहाँ पर मुझे किल तो मिल चुका है एक किल। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो स्नाइपर टॉवर आता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग किल आराम से निकाल सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन यहाँ से भाई बिल्कुल भी किल नहीं मिलता है। इस वजह से बहुत देर तक होल्ड भी करता हूँ, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो रुकने का कोई इतना फायदा है नहीं, इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बूस्टर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि अभी देखो कि इतने सारे बंदे आए हुए कि मैं अभी अगर मैं जाकर मर भी जाता ना तो मेरा माइनस तो कम से कम नहीं लगने वाला, प्लस मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम प्लस मिलेगा। और यही टाइम होता है जबकि आप लोग किल निकाल सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लस कर सकते हो। आप लोग पूछते हो कि भाई प्लस कैसे लेते हो, तो भाई इस तरह से मैं प्लस लेता हूँ। लास्ट जोन में जाकर मैं फाइट करता हूँ, अकेले जाके भी मैं मारता हूँ बंदों को। तो भाई देख सकते हो यार 1v2 मैंने यहाँ पर क्लच कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर किल नहीं उठाता ना तो मेरा 3 किल नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने 1v2 इसको क्लच करके भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कम किया कि मेरा KD भी मेंटेन हो जाएगा और मेरा प्लस जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्योंकि 4 किल के अगर आसपास हो जाता ना, जैसे कि 3 किल 4 किल 5 किल हो जाता है, तो कम से कम तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्लस मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका पॉइंट जो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा था भाई सामने की तरफ स्मोक और मेरे टीममेट को दिख जाता बंदा। अब इसको मैं कोशिश कर रहा था कि इसको नॉक कर दो। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसका सील फोड़ दो, लेकिन भाई सील फोड़ के कुछ फायदा होने वाला नहीं है।
अब यहाँ पर मैं फुल सिक्स से चला रहा था, इस वजह से मेरा इस पर बहुत ज़्यादा खराब जा रहा था। बट कोई ना कोई इसको तो भाई आने नहीं देंगे जोन के अंदर, इसको आखिर जोन तक परेशान करने वाले हैं। और जोन जो अभी स्टार्ट हो ही गया है, तो इसका मतलब है कि इसको जोन के, वो तो जोन के बाहर है, तो उसको जोन के अंदर आना है। अब मेरा टीममेट उसको फिर से नॉक कर देता है, लेकिन ये बंदा क्या था कि भाई उसको फिर से रिवाइव कर देता है। अब यहाँ पर मैं कैसे किल उठाता हूँ सिर्फ देखो। हाँ भाई, इस बंदे को तो मैं मार देता हूँ और मेरे टीममेट को एक भी किल नहीं मिलता, क्योंकि दूसरा जो उसका बंदा था ना, वो बंदा रिवाइव होने के बाद फिर से जोन से ठिल गया। तो भाई अब तो सारे बंदे मर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे अलाइव है, और मुझे लग रहा था भाई कोई डुओ का बंदा होगा, दोनों एक ही टीममेट का होगा, बट ऐसा नहीं था। मेरा टीममेट बग के लेके जाता है और उसको पता चलता है कि एक बंदा है। अब ये बंदा कहाँ पे छुपा हुआ था देखो, मैं भी उसको थोड़ा बहुत शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा बच जाता है मेरे शॉट से। थोड़ा सा इस बंदे को गोली लगता है, लेकिन ये बंदा छुप जाता है पेड़ के पीछे, और मेरा टीममेट ना इसके ऊपर एक नेट करेगा, और उस नेट से भाई ये धड़ाम करके फूट जाता है। तो इसका तो भाई किल हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई लास्ट वाला बंदे कहाँ पे है, लेकिन मेरा टीममेट ना इतना किल का लालच था कि भाई वो बंदा मेरे को बता ही नहीं रहा कि कहाँ पे बंदा है। पर भाई मेरा आज कुछ ज़्यादा ही किस्मत खराब था कि मुझे बिल्कुल भी किल नसीब नहीं हो रहा थे। बट क्या ही करें यार, मतलब कि चार किल तो निकाल लिया है, वो इतना काफ़ी है मेरे लिए। और प्लस भी आपको दिखा दो कि प्लस कितना मुझे मिला है। तो भाई साहब 18 का प्लस मुझे मिल चुका है, जो कि भाई बहुत ही मस्त प्लस मिला मुझे। तो गाइस इस वीडियो में इतना था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मिलते हुए नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।